नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे जुनून और मैं हूं आपके साथ अंजलि राजपूत। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक घर में चलाई जा रही अवैध फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर के यहां काम कर रहे 3 मजदूर झुलस गए, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। झुलसे हुए मजदूरों को मौके पर मजदूर जो थे उन्होंने वहां से निकाल करके दिल्ली के GBD अस्पताल में एडमिट कराया। इसी पर जानकारी देते हुए स्थानीय कर्मचारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मूवी में क्या हुआ है? सर, लेबर काम कर रही थी, वो अचानक धमाका हुआ, पता नहीं लगा कि कैसे हुआ, अंधेरा तो हो गया। हम लोग जब देखे तो चीख चिल्ला रहे थे, तो उनको निकाल के घसीट के बाहर निकाले, वो थोड़ा से चोटिल भी हुए हैं। कितने लोग हैं? 3 लड़के होंगे हमारे कल से, अंदाजा 3 दिखे हैं। अच्छा, काई की फैक्ट्री है तो प्लास्टिक की। अच्छा, तो लेबर काम कर रही थी उस टाइम? काम कर रही थी, बिल्कुल काम पे था। तो कहाँ है वो मजदूर, कहाँ है? हॉस्पिटल गए हुए। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और यहां लगी आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय पुलिस भी घटना की जांच में जुटी हुई है और इस इलाके में चल रहे अवैध फैक्ट्रियों का सत्यापन कराकर कार्यवाही की बात कर रही है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के अनुसार शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में राजीव कॉलोनी गली नंबर 1 में घर में आग की सूचना पर फायर विभाग को ये सूचना मिली थी। इसी पर जानकारी देते हुए मुख्य फायर अधिकारी राहुल पाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज लगभग 11 बजे फायर स्टेशन साहिबाद में सूचना प्राप्त हुई थी कि राजीव कॉलोनी गली नंबर 1 में एक मकान में आग है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियां फायर स्टेशन साहिबाबाद से घटनास्थल के रवाना हुई। घटनास्थल पर जाकर देखा, जो घटना है बहुत ही सक्रिय गली में थी, जिस कारण फायर टेंडर अंदर नहीं पहुँच पा रहे थे। तत्काल FSO साहिबाद द्वारा 6 होस को लंबी दूरी तक बिछाकर फायर फाइटिंग का काम शुरू किया गया और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। इस घटना में जो प्लास्टिक को कतरने का काम हो रहा था, जिसमें कंप्रेसर ब्लास्ट होने के कारण घटना हुई है, जिसमें 3 मजदूर जो काम कर रहे थे वो झुलस गए हैं, जिसमें एक महिला भी है, जिनको तत्काल पुलिस द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया। आग की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसी पर जानकारी देते हुए DCP विवेक चंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कॉलोनी में एक आग की सूचना प्राप्त हुई थी, एक कबाड़ की दुकान में, जिसपे तत्काल फायर डिपार्टमेंट एवं लोकल पुलिस द्वारा पहुंचे। आग को पूरी तरह से नियंत्रण किया गया तथा आग बुझाने के दौरान ये इसमें काम करने वाले 3 मजदूर हल्के रूप से उनको आग की झुलसे लगी हैं और उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। और जैसा कि मैंने बताया, आग को पूरी तरह से नियंत्रण किया जा चुका है। इसके साथ ही जो इस तरह की फैक्ट्रियां या जो इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उन सभी का सत्यापन कराया जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उस फैक्ट्री जिसमें आज आग लगी है, इनके पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो ये थी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आकाश ठाकुर की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे जुनून।